दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है भाई दूज, आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने नहा लिया है, यहाँ नहाना एक टास्क जितना ही है क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है। और अभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई दूज। तो आज के दिन चूड़े चढ़ाए जाते हैं और इनको बनाया जाता है धान से। वो बनाने का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कहाँ ले जाने हो? प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। लो जी रे, जागी रे, बची रे, धरती जस चकोर है जे, आसमान जस उच्च है जे, और क्या स्याओ जे सुद्धि है जे, लठी ते एक बार हरण जे। घंटी भी नहीं। स्नान कराना है। प्रणाम। जीरे ले क्या कहते हैं, जीरे जागरे बचरे, श्याव जस बुद्धि है जे, अकार जस उच्च है जे, धरती जस चको है जे। जय गणेश का। जय भावेश, जय भावेश, जय भावेश, जय जा वहां से चढ़ के आने जा, दौड़ क्या आ। ये है सैगी। आ ओशी, ओशी आप ये ओशन पानी के साथ खेल रहा है। तो ये है सैगी और ये है पिक्सी और वो सामने है ओशन। ओशन इधर आ जा। ओशन का तो अलग ही खेल चल रहा है पानी के साथ। ये है छेगू। लाओ हेलो बोलो। हेलो सैग, हेलो गुड गर्ल। ओशन इधर आ। अब इन लोग के हाथ हो रहे इतने गंदे, मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। खेलने के बाद ये फरमा रहे हैं आराम। पिक्सी तो दिखती ही नहीं है खाली। और ये सैगी बैठी है छाया में। अभी हम लोग जा रहे हैं घर भाई दूज सेलिब्रेट करने। ये हमारे साथ आ चुकी है गरिमा। हेलो बोल। और अभी हम जा रहे हैं हर्ष के पास। हर्ष हल्द्वानी गए हैं। ओहो हर्ष गया है हल्द्वानी।
और अब हम चढ़ाएंगे सोनू दा को। होते तो भैया डूब जा फैल जाए चाव जस बुद्धि आ जाए लट्ठे डे से लगन जाए तो अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मा को ढूंढने क्योंकि ये हमें खेतों में ही मिलती है। हम बगीचे में ढूंढने हैं ये है हमारी आमा तुम्हारी आमा लुली गई है रे बुढ़ापा आ गया है कुछ नहीं आ रही है बॉम्ब पटाके अब ताई जा रही है खेत को और अपने हाथ में ले जा रही है बड़ा सा झोला। ताई क्या है इसके अंदर? पैना। क्या है? पैना। ये ताई अपने साथ वालों के लिए पैना ले जा रही है। सबको दे हमारे उत्तराखंड में रिवाज है कि त्योहार के बाद सबको पैना दिया जाता है तो वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। हमारी ताई ले जा रही है अपनी दोस्तों के लिए। ये देखो 5 किलो का कट्टा भर के बाय बाय। ये मिली शिवानी को, शिवानी की फ्रेंड स्कूल टाइम की। इनकी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, 3 बच्चे हैं। और इसको देखो, इससे कह रहे शादी कर ले शादी कर ले। करीमा यहाँ पे लेके आई है अपना पर्स और ये दिखा रही है अपना नोटों का कलेक्शन, कितने सारे इसने इकट्ठा करे हैं। कितने हैं गरु ये? ओ वाओ, गरु के पास अभी है 2100 रुपीस। तो आज हम करेंगे इसकी पार्टी, ठीक है? ये इसके फूल के नवरात्रि के और इसके दिवाली के इतने हैं। तो ये गरु के जो रुपए हैं ये इसने किए थे कलेक्ट फूलदेई से और नवरात्रि से और आज क्या है, आज भाई दूज से। तो इतने सारे रुपए हो गए। गरु क्या करने वाली है इनका? अभी अभी लेगी या बड़े होके? हाँ बड़े होके गियर वाली साइकिल। हाँ तो अभी ये बुढ़िया की तैयारी हो चुकी है अपनी लड़की के लिए पैड़ा रखने की और हमारा फिक्स नहीं है हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हाँ अपना बताने में लगी है आज बुआ के वहाँ रह लेना। फिर कहाँ जाना है? फिर बड़ी बुआ के वहाँ जाना। वाल अब बड़ी बुआ को जाना और अभी तो हमारा बुआ के वहाँ जाने का ही कंफर्म नहीं हुआ है। ये भरते जा रही है बुआ, देख लो। हाँ इसने ये रख लिया, हम ना भी आए तो आप बुरा मत मानना। तो आज हुई हमारी मुलाकात ताई से। तो ताई कैसी रही आपकी दिवाली? बहुत ही बढ़िया हुई, इतनी अच्छी हुई क्या बताओ। बच्चों ने खूब बम फोड़े। हाँ। और फूले खिलौने मिठाई वगैरह खूब खाना पकवान बनाया, खूब खाया, खूब अच्छे नाचे, खूब बढ़िया है रौनक आई, बहुत बढ़िया। और आपने क्या किया? आपने फोड़े नहीं फोड़े बम? मैं तो कहाँ फोड़ती, फिर मैं तो नहीं फोड़ती, डरती हूँ यार, मेरे को डर लगती है। मैंने बचपन से फोड़े ही नहीं थे, वहाँ से बाबू नहीं फोड़ने देते थे, यहाँ आए तो यहाँ ससुराल वाले ने नहीं फोड़ने दिए। हाँ। अब बुढ़ापे में क्या फोड़ती हूँ मैं। अच्छा।
कितने में हुई ताई? मैं तो बहुत ही छोटी थी, गरीमा के पराल है फिर क्या तो मेरे बम वाली जिन तो थे बम फोड़ने के गरीमा लोग ही तो फोड़ते हैं। कहाँ लाने वाले थे, मैं फूले खिलौने कहाँ लाने वाले थे, मतलब इतने बम पटाखे कहाँ लाने वाले थे, खाने पीने की शौक चढ़ी उन दिनों ने तो खिले तो होते खिले। हाँ खिले लाने वाले थे बाबू, थोड़ी सा लाने वाले थे, हम भाई बहन भी तो आठ थे। अच्छा इतने 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 पहुँचे हमको थोड़ी थोड़ा अपना फराग छोड़ गए, फराग पकड़ी हमने ऐसे के बाबू हमको भी दो हमको भी दो। गरिमा देख ले तेरी एज में ताई की शादी हो गई। हाँ और ताई बच्चे कौन कितनी एज में हुए? 18 साल हो गया था मेरा। बाप रे। हाँ दीपुदा। हाँ 18 साल दीदी कैसे बेटा, तभी तो मैं बच्चों को अच्छा मानती हूँ ना। बचपन तो हमने देखा ही नहीं है, अपना बचपन तो हमने मतलब खुशी मनाई नहीं है अपने बचपन में ना। तब मैं अब बच्चों के साथ खेलना एंजॉय लेती है, अब नहीं छोड़ती हूँ एक भी पल। अब कर रही हूँ मैं बच्चों के साथ खेलना, अब पूरा एंजॉय करती है। हाँ अब मैं जहाँ लड़कियाँ होती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ अच्छा मानती हूँ मैं। तब जाती हूँ वहाँ। तो अभी जा रही थी ताई वो घास काटने खेत में, ये पकड़ के मेरे को यहाँ लाके बैठा दिया इन्होंने मेरे को, अब बताओ। हाँ तो ताई से इतनी सारी कहानियां सुनने को हमें मिली। और ताई आज आपने पेड़ा नहीं बांटा, हमारी ताई तो 5 किलो का कट्टा ले गई थी, आपको मिला नहीं? मिला। हाँ मिला 5 किलो का कट्टा, अपनी दोस्तों के लिए ले गई थी, उनमें से ये वाली ताई थी। और क्या लाई थी वो 5 किलो कट्टे में? वो कट्टे में लाई थी एक, हम तो खेत में भी जा रहे थे, वहाँ खेत के लिए पूरी लाई थी वो बना के। अच्छा। और पानी की बोतल लाई थी, बड़े लाई है खेत में खाने के लिए। हाँ। और खेत में खाए नहीं हमने, खाते खाते आए हो। खेत में भी पिकनिक चल रही थी तो खेत में मतलब यहाँ उसके ताई के भैया आ गए थे ना। हाँ। तब हम घर आ गए। हाँ। तो फिर कल भी खेत में जाओगे? हाँ, कल कौन लाएगा? कल वही लाएगी। अरे रोज वही लाएगी। आप कब लाओगे? अब मैं तो जिस दिन मेरी बारी होगी उस दिन मैं लाऊंगी। अच्छा खेत में आएंगे ना। हाँ। अच्छा जिसके खेत में जाते हैं वो खिलाता है? वो ले जाता है, फिर हम भी ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ले जा सकते हैं। आज मैंने इतनी ताकत मेरे को नहीं आई, रखा मैंने बना रखा, मैं ही ले आती हूँ। कहा सही है, खेत में भी इंजॉयमेंट के लिए मतलब काम करते करते खाते रहो। काम कम इंजॉय ज्यादा करते रहो खेत। मतलब बोल ज्यादा हंसी मजाक वहाँ ज्यादा करते हैं। तो आपको सुबह होती होगी कि कब रात को होती होगी? कब अगला दिन आता है खेत में जाओगे? तो मतलब फोन करती हूँ ना, कभी इसका फोन आ जाता है, कभी मेरा फोन आ जाता है। तू आ रही नहीं आ रही, कौन से खेत में जा रहे, तू क्या बना के ला रही, तू चाय बना के ला कहती है मेरे से। अच्छा ये घर जब मैं देर में जाती हूँ तो मेरे से कहते हैं तू देर में आ रही तो चाय बना के लाना, बस चाय बना के ले जाती हूँ ये, और खाने पीने की चीज ले जाते हैं। तब वहाँ जाके हम पहले खा लेते हैं चाय पी लेते। तो आजकल ताई लोगों का बहुत सारा काम चल रहा है। हाँ। ताई तो मतलब बहुत अच्छा डांस भी करती है। ये, तो अभी ताई की 2-3 सहेलियां यहाँ पे नहीं है, सब गई हैं, सब इधर उधर गए हैं। हाँ, तो अब अगले व्लॉग में जब सब लोग साथ मिलेंगे तो मैं आपको इनका एंजॉयमेंट दिखाऊंगी, कैसे एंजॉय करते हैं। और होली तो इनकी बेस्ट होती है। अब होली कहाँ होती है?